काला का ब्लैक कौन सा मुर्गा है भैया? कड़कनाथ मुर्गा। देखो ये बिल्कुल ओरिजिनल है कड़कनाथ। ये देखो देसी मुर्गा मिल जाता है यहाँ। क्या भाव दे रहे भैया? 240 रुपए चिन्ना पाना दे रहे भैया। 180 रुपए किलो जिंदा बांगास। और ये रोहू एक कतला काफी बड़े सुबह क्या करो भैया? 800 रुपए किलो। देखो काफी बड़े बड़े साइज बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी। इस मच्छी का नाम है फ्रेंड्स भोला बेट की बोला जाता है भैया भोला कहते। और ये पंगास मच्छी है काफी बड़े बड़े साइज बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी पंगास। और इसका प्राइस मिले 140 रुपए किलो। अच्छा भैया रोहू कह दो भैया 7-8 पीस चलने वाला है। पॉम्पलेट कह दो भैया 600 रुपए किलो पॉम्पलेट। मच्छी है ये भैया एक कतला आ गया आपका। कतला मच्छी देखा जरा जिंदा है ना सारे? 600-700 ग्राम साइज का होगा गोल्डन। और रोह मिलेगा 700-800 ग्राम साइज। रोह क्या बात है भैया? रोह 160 रुपए किलो। रोह 160 रुपए। और कतला? कतला भी 160। कतला भी 160 का जिंदा जिंदा कतला मिला 160 रुपए किलो। जबरदस्त कतला देखो ये जिंदा। और भैया नहीं है हमारे पास यही है अभी कतला। अभी 2-3 आइटम ही है और फिर बाकी शाम को आएगा। शाम को मिलेगा। 4 बजे के बाद ही मिलेगा जिंदा। सारे मच्छी गाड़ी आता है जिंदा का गाड़ी आता है 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद आता है। अच्छा अच्छा 4 बजे के बाद ही फिर मिलेंगे। ये छोटे छोटे मच्छी है चलवा मच्छी है। झींगा है? झींगा क्या भाव दे रहे? झींगा 80 का पाव मतलब 300 रुपए किलो। 400 बड़ा वाला 400 छोटा वाला 300 रुपए किलो। अरे छोटा मच्छी क्या दे रहे भैया? छोटा मच्छी आधा किलो 130 रुपए। आधा किलो 130। अरे वाला आधा किलो 100 रुपए किलो। ये चलवा मच्छी है छोटा तरह बड़ा साइज तो रेट ज्यादा है। छोटा वाला सर रेट कम है। ये बहुत ताजा ताजी फ्रेश मच्छी मिल जाता है गोविंदपुरी मच्छी मार्केट में। ये लोकल अंडे वाला रोहू है? अंडे वाला रोहू है बिना अंडे वाला। ये देखो बिना अंडे वाला ताजी रोहू मिलेगा। क्या भाव दे रहे हो? 200 रुपए किलो बिना अंडे वाला रोहू। जबरदस्त रोहू भैया। अरे किराब कर दो किराब 400 रुपए किलो किरास। देखो जिंदा जिंदा किरास मिला 400 रुपए। और ये लाल झींगा क्या? सुमंदर वाला झींगा। सुमंदर वाला झींगा 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो। ये किस चीज का अंडा? ये रोहू का अंडा। रोहू का अंडा क्या भाव? 80 का भाव मतलब 300 रुपए किलो। अरे देसी टेंगड़ा देखो भैया देसी टेंगड़ा। ये हाँ 100 रुपए पाव। 400 रुपए किलो बना के मिल जाएगा। बना के मिलेगा 400 रुपए किलो। देखो सस्ता झींगा मिल जाता है भैया। सीधा 200 रुपए किलो। 280 रुपए किलो झींगा। देखो यहाँ पे 280 रुपए किलो मिल रहा है। और बड़ा वाला साइज 350 रुपए किलो। यहाँ पे झींगा बना के मिल जाता है बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी मच्छी। बना के मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। हाँ बना के मिलेगा 300 रुपए किलो। ये मुराखी मच्छी है। मुराखी छूले दिले 350। मुराखी भैया 200 रुपए किलो भैया। और हिलसा देखो हिलसा आ गया बहुत छोटे छोटे साइज 1 किलो 3-4 पीस चलने वाला है। हिलसा कह दे रहा हूँ 400 रुपए किलो। 700 रुपए किलो भैया। 700 रुपए बहुत महंगा मच्छी होता है। हिलसा इतना महंगा क्यों होता है भैया? हिलसा मच्छी अच्छा कहाँ से आता है? हिलसा कलकत्ता से वाला। इसे थोड़ा महंगा टेस्टी भी होता है। और ये क्या बोलते इस मच्छी का नाम क्या है? आयला। आयला मैकरेल इसको मैकरेल। अच्छा मैकरेल क्या बात है? 200 रुपए किलो। और ये कौन सा मच्छी है? खैरा समुद्र वाला है। समुद्र वाला क्या भाव है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। और रुपचंद मच्छी क्या भैया? रुपचंद आ रहा है। रुपचंद क्या रेट? 160 रुपए किलो। और ये तलापिया 120 रुपए किलो। ये बिल्कुल फ्रेश किलो क्वालिटी है। 150 कितना? 120 रुपए किलो तलापिया। और ये क्या क्रैब? क्रैब क्रैब क्या दे रहे हो? 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो बना के मिल जाता ना? ये बना के मिल जाएगा 400 रुपए किलो किराया बिल्कुल जिंदा। मट क्रैब बोलते हैं इसको मट क्रैब। और ये क्या दे रहे हो? ये वाला ये क्या है? बोमिल। बोमिल बच्चे बोमिल। बोमिल क्या भाव? 200 रुपए किलो। और ये क्या जिंदा काला काला मांगुर है? मांगुर है भाई। सिंगी मच्छी। अच्छा सिंगी मच्छी है ये? देसी वाला माल है ये। देसी है वाला जिंदा। देसी है देखो हिलता भाई। अच्छा ये मच्छी काटने के बाद बुखार आता है ना? बुखार आता है भाई 3 दिन के लिए सो जाओगे। अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या भैया? पॉम्पेट मच्छी भैया। पॉम्पेट कह दो भैया पारबुनी। गोविंदपुर मच्छी मार्केट बहुत ज्यादा भीड़ लगता है। यहाँ पे देखते आगे जिंदा मच्छी है। अच्छा भैया रोहू कह दो भैया 250 रुपए किलो रोहू। और जिंदा वाला जिंदा मच्छी मिल जाता है भाई के पास। बहुत सारे मच्छी है जिंदा मुर्दा दोनों ही है। गोविंदपुरी मच्छी मार्केट काफी बड़ा मार्केट है। ये सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है।
काफी भरा ये मार्केट है, देखो कितना सारे मच्छी है। ये कतला मच्छी है भाई साहब, कतला मच्छी कहते, कतला मच्छी ₹180 किलो बिना अंडे वाला, अंडे वाला बिना अंडे वाला ₹180 किलो। और रोहू बड़ा रोहू 240। और ये देखो कितना बड़े सा बुआरी मच्छी है, काफी बड़ा सा ये मार्केट भाई। बुआरी क्या भैया, बप्पे भाई बुआरी क्या रेट है? बुआरी हाँ क्या बुआरी, बुआरी तो नंबर वन वाला बुआरी है। कैसे तरह बुआरी अच्छी? ₹500 किलो बुआरी, इतना महंगा? बढ़िया वाला क्वालिटी है, बुआरी वाला क्वालिटी है। जिंदा का था ये क्या? जिंदा का, जिंदा का मरा है। ₹500 किलो हंटर मच्छी बोलते हैं, हंटर समंदर वाला हंटर मच्छी। इसका देखो कई कैसे तरवाली बोलता है, और इसका भी मिल रहा है ₹200 किलो हंटर मच्छी, मिल रहा है ₹200 किलो। और ये पंगास मच्छी है, काफ़ी बड़े बड़े साइज, बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी पंगास। और इसका प्राइस मिले ₹140 किलो। कभी भी आओ और ले जाओ ₹140 किलो। फिर इसका रेट बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है, 140। इतना बढ़िया से मच्छी काट रही है, कौन सा मच्छी काट रही है? कतला मच्छी है भाई, कतला मच्छी, कतला मच्छी है भाई। ऑर्डर में जा रहा है क्या ये? ऑर्डर में जा रहा है। बहुत सारे मच्छी काट रहे हैं, सुबह से बहुत मेहनत करता है, एक नंबर कारीगर है। काफी बड़े बड़े साइज, बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी, इस मच्छी का नाम है फ्रेंड्स भोला बेट की बुलाता है। भैया भोला क्या रेट दे रहे हो? भोला ₹250 किलो। और मैकरेल कैसे? मैकरेल भी 250 सर, छोटा बड़ा सेम रेट है, ₹250 छोटा वाला बड़ा वाला दोनों सेम रेट है। और इस मछली का क्या नाम है भैया? छोटा वाला बेल्लोरी। बेल्लोरी क्या बात है? बेल्लोरी 250 सर, टोटल तीनों आइटम चारों आइटम ₹250 किलो मिला भैया। तो इस सब मछली लो ₹250 किलो होलसेल रेट है। अभी बड़े साइज सुरमाई मछली है, देखो बड़े वाली फ्रेश क्वालिटी सुरमाई। सर सुरमाई क्या दे रहे भैया? ₹800 किलो कटिंग है, साबुत फुल पीस, फुल पीस साबुत मिलेगा ₹800 किलो। अच्छा भाई एक काम, कटिंग कटिंग ₹1200 किलो। और ये कौन सा लाल वाला लाल मच्छी? चूरा चूरा टूना दोनों सेम है। क्या प्राइस है ये? साबुत मिला 450। अच्छा काट पीस 450 साबुत, 350 साबुत, और काट पीस मिलेगा ₹450 किलो। और ये इस रानी मच्छी होता है इसको, रानी क्या बोल रहे हो? ₹300 किलो रानी। और मत्ती में ₹300 किलो। बहुत सारे मच्छी समुंदर वाला मच्छी मिलता है यहाँ पे, आगे देखते हो। बाटा क्या? तो बाटा 100 रुपये वहाँ, ₹400 किलो, ₹400 किलो बाटा भैया, बना के साफ करके ना। देखो यहाँ पे जिंदा जिंदा मच्छी है, ये रोहू मच्छी, ये पंगास, जिंदा पंगास क्या दे रहे हो भैया? ₹180 किलो जिंदा बंगास। और ये रोहू एक कतला है, एक कतला दोगला है, ये रोहू, रोहू मछली क्या था? रोहू मछली भैया, रोहू भी ₹160 किलो जबरदस्त जिंदा जिंदा मच्छी। देखो यहाँ पे सब जिंदा मुर्दा समुंदर वाला मच्छी, सब मच्छी इस मार्केट में मिल जाता है, काफ़ी भरा है मार्केट। देखो ये माता जी है, काली माता जी, पूरा मार्केट में मंदिर है, काली मंदिर जी। और काफ़ी मार्केट अभी बंद है, 2 बजे लंच की टाइम होता है, 2 से 4 बजे तक, और फिर सारे मार्केट ये खुल जाता है, क्योंकि जिंदा मच्छी का गाड़ी भी आया था 4 बजे के बाद, मुर्दा सुबह से शाम लगता है, जो कल का बचा हो रहा था जिंदा मच्छी वो सुबह 9 बजे से खुल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे मुर्गा मंडी भी है, मुर्गा मंडी भी है। देखो यहाँ पे मुर्गा मंडी है, काफ़ी बड़ा भी मंडी है ये। भैया चिकन क्या भाव दे रहे हो भैया? ₹240 चिकन चिकन। और साबुत लोग क्या है? साबुत साबुत 180। अब क्या साफ कर रही है? कलीजी बोटा, कलीजी बोटा, कलीजी बोटा क्या दे रहा भैया? ₹160 किलो कलीजी बोटा। और चिकन चिकन मिला ₹240 किलो। देखो भैया बहुत सस्ता और अच्छा क्वालिटी मिल जाता है, तो काफ़ी भरा ये मार्केट है, गोविंदपुरी मच्छी मार्केट साथ साथ चिकन मार्केट भी है। और चिकन कट रहे भैया? चिकन है फ्रेश, चिकन क्या हुआ चल रहा भैया? ₹240 किलो फ्रेश चिकन है, लाइव काट के मिलेगा, लाइव काट के देगा आपको। देखो भैया ये फेमस वाला बंदा है, फेमस बंदा है गोविंदपुरी चिकन मार्केट में, फेमस बंदा। देखो भैया वास्तव में आना, चिकन ले आना भैया, फ्रेश चिकन मिल जाता है यहाँ पे, देसी आपका बतख भी मिल जाए, बतख भी मिल जाता है ना, सब मिल जाता है, देसी मिल जाता है। अच्छा बॉयलर क्या चल रहा है अभी? बॉयलर 240। साबुत क्या भाव दे रहे हो?
साबुत 180 और देसी चिकन देसी बना के 600 रुपए किलो है। बना के 600 और ऐसे साबुत लेना चाहते हैं तो साबुत 400 रुपए किलो और बना के 600 रुपए किलो। और बतख रखते हो क्या? बतख 500 रुपए पीस, बतख पीस हिसाब से बिकता है। अच्छा 500 रुपए पीस मिलता है। भाई साहब कभी भी आना और नंबर भी आपको मेंशन कर देंगे, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये काला का ब्लैक कौन सा मुर्गा है भैया? कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा बिल्कुल ब्लैक कलर से, खून भी ब्लैक होता है क्या? सुनो चिकन भी ब्लैक होता है, ब्लैक होता है। अच्छा अंडा भी ब्लैक, सारे ब्लैक ही होता है क्या? अच्छा जबरदस्त। प्योर कड़कनाथ है? प्योर कड़कनाथ है, जबरदस्त है भैया। काफी कम मिलता है ना ये। देखो ये बिल्कुल ओरिजिनल है कड़कनाथ, उड़ तो नहीं जाएगा। ये देखो देसी मुर्गा मिल जाता है यहाँ, जबरदस्त। देखो देसी मुर्गा ये, तो देसी क्या भाव दे रहे भैया? ये भैया 500 रुपए किलो साबुत। और काट के क्या भाव दे रहे हो? काट के नहीं, साबुत है 500 रुपए किलो। देखो देसी और ये कड़कनाथ है बिल्कुल। कड़कनाथ क्या प्राइस दे रहे हो? 800 रुपए किलो, मतलब साबुत 800 रुपए किलो। उसके बाद आप साफ करके जैसे मर्जी साफ करके ले जा सकते हो। भैया आपका नंबर बताइए, मोबाइल नंबर जो आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 888-222-3737-597-597। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और ये ले के जा सकते हो। यहाँ पे जिंदा मुर्दा सब मिल जाता है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कौन सी मार्केट का विजिट करवाना चाहते हो ये जरूर बताना। मैं नेक्स्ट